मैं हूँ आकांक्षन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो गाइस, जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपके साथ एक कमाल का हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके वाइट हुए बालों को, जो प्रीमेच्योर ग्रे हो चुके हैं आपके बाल, उनको ब्लैक करेगी। और जैसे कि अभी विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स में जो हमारी हेयर ग्रोथ है वो नहीं इंक्रीज होती, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस ऑयल को यूज़ करेंगे तो जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट होगी, साथ ही साथ आपका जो हेयर फॉल है वो ना के बराबर हो जाएगा। आपके जो विंटर्स में हमारे स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, ड्राई इची स्कैल्प हो जाती है, डेंड्रफ हो जाता है, उससे आपको 100% छुटकारा मिलेगा। और सारे इंग्रेडिएंट एकदम नेचुरल है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट आपके किचन में 110% अवेलेबल रहेंगे। अगर आप इस ऑयल को पूरे विंटर्स अप्लाई कर लेंगे तो पोस्ट विंटर जो आपकी हेयर ग्रोथ होगी वो इतनी कमाल की होगी, मतलब मज़ा आ जाएगा, आपका हेयर फॉल बिल्कुल पूरा रुक जाएगा और आपके बालों में शाइन आएगी, आपकी जो स्कैल्प है वो हेल्दी क्लीन रहेगा और जो आपके बाल वाइट होना स्टार्ट हो रहे थे ना वो भी ब्लैक हो जाएंगे और आगे से आपके जो बाल हैं वो वाइट नहीं ग्रो होंगे। तो बहुत ही कमाल की रेमेडी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस कमाल की रेमेडी को हम प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं वो है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। ये वही मेथी दाना है जिसको हम कढ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे अवेलेबल रहता ही है। तो इसकी हमको यूज़ करनी है 2 टेबल स्पून। जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं इसमें होते हैं आयरन, साथ ही साथ प्रोटीन, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, इसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, ये हमारे बालों को ब्लैक करता है, जो अगर आपके बाल प्रीमैच्योर ग्रे हो गए तो उनको ब्लैक में ट्रांसफर करता है और आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको बहुत ही अच्छे से इन्हेंस करता है। अगर आपकी अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है कलौंजी ब्लैक सीड, इसको हम अचार में यूज़ करते हैं, इसको कई लोग अनियन सीड्स भी बोलते हैं। तो इसकी हमको लेनी है 2 स्पून। जो ब्लैक सीड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपके बाल वाइट हो गए हैं उनको ब्लैक में करने के लिए। अगर आप अनियन सीड को किसी भी फॉर्म में अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करेंगे तो जो आपके वाइट हुए बाल हैं उनको ये ब्लैक करने में बहुत ही अच्छे से काम करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ को तो बहुत ही अच्छे से प्रमोट करता है। तो अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो इसकी हमको लेनी है 1 टेबल स्पून, मतलब आप 10 से 12 ब्लैक पेपर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो ये ब्लैक पेपर होता है ये हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत अच्छा काम करता है, इसमें होते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इसमें होते हैं विटामिन BCNK जो कि बालों को ब्लैक करता है। क्या करना है आपको, कोई पैन लेना है और ये तीनों इंग्रेडिएंट उसमें ट्रांसफ़र कर देने हैं और आपको इसको हल्के से रोस्ट करना है, जो हमारे इसमें मॉइस्चर है वो सारा गायब हो जाएगा, इसलिए हम इसको रोस्ट कर रहे हैं, अच्छे से रोस्ट करना है, 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है। जो फेनुग्रीक सीड्स का जो कलर है वो थोड़ा डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी थोड़ी आपको खुशबू भी आने लगेगी, तो आपको लगेगा कि जो हमारी जो ये तीनों इंग्रेडिएंट है वो हमारे रोस्ट हो गए हैं अच्छे से। उसके बाद आपको इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये सारे इंग्रेडिएंट ठंडे हो जाएंगे आपको लेना है एक मिक्सी जार और उसमें आपको डाल के इसको एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेना है। अगर थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है, आपको एक बार पीसना है। तो ये पीसने के बाद हमारा एक फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। हमने रोस्ट इसलिए भी किया है जिससे ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्सी में एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारा बहुत ही पावरफुल हमारा जो ये पाउडर है बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम कुछ और पाउडर ऐड करेंगे, तो जो नेक्स्ट पाउडर हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है 1 स्पून आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत ही अच्छा काम करता है, इसको मुझे रिपीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें होता है विटामिन सी, तो बहुत ही अच्छे से हमारे बालों को ब्लैक और रिपेयर करता है। अब जो नेक्स्ट पाउडर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ वो है रीठा पाउडर। रीठा पाउडर हमारे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करता है। अगर आपके डेंड्रफ, रूसी या फिर किसी भी तरह का खुश्की हो गई आपके बालों में स्कैल्प पे, तो उसको दूर करता है और हमारे बालों को क्लीन भी बहुत अच्छे से करता है। तो रीठा पाउडर की हमने यहाँ पे यूज़ की है 1 स्पून। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने अमाउंट में आप ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो हमारा ये कमाल का पाउडर बनके तैयार हो गया, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हमारे बालों के लिए। इन सारे इंग्रेडिएंट हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, चाहे वो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल की बात हो, हमारे जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो गए उसकी बात हो, या फिर हमारा हेयर ग्रोथ की बात हो। अगर आप चाहें तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में गूगल कर सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा जो पाउडर ही हमारा तैयार हुआ है कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब बात आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कौन से ऑयल में प्रिपेयर करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, जो कि सबसे बेस्ट है अगर आपके पास प्योर मस्टर्ड ऑयल है। अगर प्योर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्योर ही मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है। तो आप सीसमे ऑयल या कोकोनट ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर प्योर मस्टर्ड ऑयल है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी मेरे बालों में मस्टर्ड ऑयल से ही अच्छे से चंपी करती थी, मसाज करती थी, तब मेरे बाल बहुत अच्छे थे, ना कोई हेयर फॉल होता था, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मैंने जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें थोड़ी स्मेल आती थी, चिपचिप हो जाते थे बाल, तो मैं उस ऑयल से स्विच हो गई किसी और ऑयल पर। तो अब जो मेरे बालों की जो क्वालिटी है वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो गई है, तो मस्टर्ड ऑयल इज़ बेस्ट। अगर मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता है तो आप कोई और ऑयल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ एक छोटा कप मस्टर्ड ऑयल। आप जिस अमाउंट में इस ऑयल को प्रिपेयर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है यहाँ पर ऑयल का, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन अब बात आती है कि आपको जो बर्तन है प्रिपेयर करने के लिए वो कैसा लेना है। तो आपको लोहे का आयरन का बर्तन लेना है। यहाँ पर इससे क्या होगा, जब आप ऑयल को प्रिपेयर करेंगे तो आयरन भी हमारे जो ऑयल है उसको मिलेगा, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को ब्लैक करने में काम करता है। साथ ही साथ हमने इसमें यूज़ किया है आंवले पाउडर का, तो जब वो आयरन के बर्तन के साथ मिक्स होगा तो हमारा ऑयल और अच्छा हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा हमारे बालों को ब्लैक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लोहे का बर्तन लिया है। साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो उसका बेस हो नीचे वो थोड़ा मोटा हो, अगर पतला होगा तो हमारा जो ऑयल है वो जल सकता है। तो आपको थोड़े मोटे बेस का बर्तन लेना है। अगर लोहे का बर्तन नहीं है तो आप कोई और भी बर्तन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बेस है वो थोड़ा मोटा लेना है आपको। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और जो गैस की फ्लेम है आपको एकदम लो रखनी है, और इस पे मैंने अपने बर्तन को रख लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 कप मस्टर्ड ऑयल। इसको हमें हल्का सा गुनगुना करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा लिक वार्म करना है। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट होगा आप देखेंगे जो बबल्स है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर जो कि हमने प्रिपेयर करके रखा था। जो पाउडर की क्वांटिटी है अराउंड 3 to 4 स्पून है, तो पूरा पाउडर मैं इस जो ऑयल है इसमें ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद आपको जो बबल्स है वो उठते हुए दिखेंगे, कोई इशू नहीं है, जो बबल्स अपने आप नीचे चले जाएंगे। थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है पाउडर में इसलिए जो बबल्स है वो उठ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बबल्स है वो चले जाएंगे। तो इसको अच्छे से आपको लो फ्लेम पर पकाना है 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये डिपेंड करता है आपके बर्तन के ऊपर भी, अगर आपका बर्तन का जो बेस है वो पतला है तो आप 2 से 3 मिनट ही पकाइए, और जब आपका बर्तन का बेस थोड़ा मोटा है तो आप इसको 5 मिनट पका सकते हैं। लेकिन आपको बीच बीच में स्टर करते रहना, चलाते रहना है, जिससे जो हमारा ऑयल है वो नीचे लगना स्टार्ट ना हो जाए, बेस में जो पाउडर है वो नीचे ना लग जाए। चलाते हुए आपको इस ऑयल को प्रिपेयर करना है। जो फ्लेम है वो एकदम लो रखनी है। जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, और सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं। जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था कलौंजी, ब्लैक सीड, वो अपना एक ऑयल खुद से प्रोड्यूस करता है, तो वो भी अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ कर देगा, और 5 मिनट में जितनी भी गुडनेस है सारे पाउडर्स की वो सारा इस ऑयल में मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट बाद जो आप ऑयल की कंसिस्टेंसी वो देख सकते हैं, जो कलर है ऑयल का पूरा चेंज हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। जब हमने ऑयल डाला था तो येलो था, अब पूरा ब्लैक हो चुका है। हमारा ऑयल प्रिपेयर हो चुका है, 5 मिनट हो गए हैं। अब आपको इसी बर्तन में थोड़ी देर रखना है ठंडा करने के लिए, और जब आपका ऑयल ठंडा हो जाए तो आपको किसी भी, अगर आपके पास ग्लास का कंटेनर है तो उसमें स्टोर करेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो आप प्लास्टिक बोतल में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको स्ट्रेन करना है, छानना है, जिससे पाउडर अलग हो जाए और जो हमारा जो मेन ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट होके अलग आ जाए। तो मैंने क्या किया, ग्लास का कंटेनर लिया और इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये हमारा कमाल का ऑयल बनके तैयार हो गया है, बहुत ही पावरफुल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस ऑयल में। अब बात आती है कि आप इस ऑयल को स्टोर करके रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस ऑयल को स्टोर करके 1 मंथ तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो थोड़ा अमाउंट में आप 1 लॉट बना लीजिए 1 मंथ के लिए,
उसके बाद आप यूज़ कीजिए, 1 मंथ बाद अगेन आप एक और लॉट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस वाल को आपको यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बाउल लेना है, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें इस ऑयल को निकाल लेना है। तो जो ऑयल आपने इस बाउल में निकाला है उसको लिक वॉर्म करना है, आप डबल बॉयलर मेथड से आपको गुनगुना करना है, आपको डायरेक्ट इस ऑयल को गैस की फ्लेम पर नहीं रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल में गर्म पानी लेके जो अपनी कटोरी है जिसमें आपने ऑयल लिया है उसको रख दीजिए 5 मिनट के लिए, तो जो आपका ऑयल है लिक वॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अभी विंटर्स आ रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप बालों में ऑयल को यूज़ करेंगे तो जो ऑयल है अच्छे से अपना काम दिखा पाएगा, अच्छे से हमारे हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो पाएगा। और अब बात आती है लगाना कैसे है, तो आप इस अपने रूट्स में अच्छे से अप्लाई कीजिए। आप कॉटन बॉल की हेल्प से भी इस ऑयल को अपने रूट्स में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। रूट्स में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको अपने हेयर लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो आपको हेयर रूट्स में हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई करना है इस ऑयल को। और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट चंपी करनी है। और अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा, अगर आप इस ऑयल को यूज़ करने वाले हैं अपने हेयर ग्रोथ के लिए या अपने प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए, तो आप अच्छे से अपने बालों में चंपी कीजिए, जिससे जो ये ऑयल है अच्छे से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाए, रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाए। और इस ऑयल को अगर आप ओवरनाइट रखने वाले हैं तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन कई लोग होते हैं जो ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल को नहीं रख पाते हैं। तो आपको इस ऑयल को मिनिमम 2 से 3 घंटे अपने बालों में रखना है। जब आप हेयर वॉश करने जाएं उससे 2 घंटे पहले इस ऑयल को अपने बालों में अप्लाई कर लें और 2 घंटे तक अपने बालों में रखें। आप इस ऑयल को एज अ रेगुलर जो ऑयल यूज़ करते हैं उसकी तरह यूज़ कीजिए। अगर आप इस ऑयल को अच्छे से वीक में 2 बार 1 मंथ तक यूज़ कर लेंगे तो जो रिजल्ट है आपको डेफिनेटली देखेंगे, आपको जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी, मतलब आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं। और आपकी जो बालों की क्वालिटी है साथ ही साथ जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें यूज़ किए बहुत ही कमाल के नेचुरल इंग्रेडिएंट। और 2 घंटे रखने, उसके बाद आपको किसी भी मेल्ट शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से आपको इस ऑयल को प्रिपेयर करना है, यूज़ करना है, और जो रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। तो आप भी इस ऑयल को तैयार कीजिए, अपने बालों पर यूज़ कीजिए, अपने बालों को लंबा, घना, स्मूथ और सिल्की बनाइएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, या फिर वो लोग जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।